अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर विल्मार श्वाबे जर्मनी की जानिब से सेहत का पैगाम प्रोग्राम है होमियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अली इमाम। नाज़रीन, सीज़न वन की बेइंतहा कामयाबी के बाद आज हम आपके सामने हाजिर हैं सीज़न टू लेकर। जी हां, और आप हमारा ये प्रोग्राम श्वाबे के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हर महीने देखते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक दफ़ा फिर इन हमारे इंतहाई मोहतरम हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं डॉक्टर इलाही बख्श साहब। और डॉक्टर साहब हमारे साथ सीज़न वन में भी मौजूद थे और आपने डॉक्टर साहब के प्रोग्राम्स को बहुत सराहा और पसंद किया। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और वो है डाइट्री फाइबर्स। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, और बड़े नाज़रीन की ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा फिर आपको देखें और हम आपसे गुफ्तगू करें और कुछ ऐसी मुतसलन मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई जाएं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज हम डाइट्री फाइबर के हवाले से सवालात का आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब, कि ग़िज़ा के हवाले से जब भी गुफ्तगू होती है तो एक लफ्ज़ फ़ाइबर का तस्करा अमूमन होता है, तो ये फ़ाइबर क्या होता है? इसको अगर आम हालात में या आम ज़बान में समझा जाए तो ग़िज़ा की वो कैफियत जो हमारे जिस्म जिसको हज़म करने से कासिर हो वो फ़ाइबर कहलाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारा जिस्म हज़म नहीं कर सकता दुनिया के सारे जानदार हज़म नहीं कर पाएंगे। यकीनन जो चीज़ हमारे लिए फ़ाइबर है वो कुछ जानदारों के लिए फ़ाइबर नहीं भी है। मसलन घास फूस की जिनकी हम बात करेंगे फ़ाइबर्स के हवाले से, वो चीज़ अगर चौपाइयों के अंदर देखें तो वही चीज़ उसको वो हज़म कर रहे होते हैं। क्यों हज़म कर रहे होते हैं? कि उन जो है जानदारों में उसको हज़म करने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, जबकि इंसान में फ़ाइबर्स को हज़म करने के लिए एंजाइम नहीं पाए जाते। तो इसलिए इसको रफेजेस का हिस्सा कहते हैं, यानी ना हज़म होने वाले रेशे असल में फ़ाइबर कहलाते हैं। ठीक है, बेहतर। तो मतलब फ़ाइबर किसी एक शय का नाम है या इसकी मुख्तलिफ अकसाम पाई जाती हैं? क्योंकि अमूमन जैसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं भाई इनको फ़ाइबर का ज़रा आप यूजेज बढ़ा दें, तो अब वो परेशान होते हैं जो वालदैन होते हैं कि भाई फ़ाइबर में क्या चीज़ हो। तो इस हवाले से अगर आप कुछ देखें, इब्तिदा में यही समझा जाता था कि ग़िज़ा की जो पाँच अज्ज़ा हैं जिनमें प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा पानी, इसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती। ठीक है कि जनाब ग़िज़ा का हम ये पांच हिस्से अगर होंगे, पांच अज्ज़ा होंगे तो हमारी ग़िज़ा मुकम्मल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इस सारी ग़िज़ा को, इस पांच अज्ज़ा को हज़म करने के लिए या हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए एक छठी चीज़ की भी ज़रूरत है, और वो है फ़ाइबर। फ़ाइबर अगर नहीं होगा तो यकीनन बहुत सारी बीमारियों में भी मुबतला हो सकते हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये एक चीज़ का नाम नहीं है, किसी ज़माने में एक चीज़ कहा जाता था कि अदर देन न्यूट्रिएंट्स जो है वो रफेजेस है और रफेजेस फाइबर है। ठीक है, लेकिन आज ये नहीं समझा जाता, बल्कि फ़ाइबर की मुख्तलिफ अकसाम हमारे सामने है और उनके ज़रिए हम ना सिर्फ उनकी सेहत को बरकरार रखते हैं बल्कि बहुत सी बीमारियों को तहफ़ भी फराहम कर सकते हैं। बेहतर। तो क्या ये फ़ाइबर सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं? क्या इन फ़ाइबर का अमराज से बचाओ या इलाज से भी कोई ताल्लुक होता है? देखिए, फ़ाइबर के बारे में एक बड़ी बात तो ये कही जाएगी कि फ़ाइबर दो किस्म के होते हैं, एक वो जो पॉलीसेक्राइड हैं जो पानी में हल पजीर हैं, ठीक है, और एक वो है जो पानी में हल पजीर नहीं है। मसलन कुछ ऐसे फ़ाइबर हैं जिनको हम लिग्निन कहते हैं, वो पॉलीसेक्राइड में शुमार नहीं किए जाते, लेकिन हज़म इनमें से कोई भी नहीं होता इंसानी जिस्म में। हाजमे का खामरा या हाजमे का एंजाइम इन सब के लिए बेअसर है, इसलिए वो रफ़ चीज़ ही समझी जाएगी। अब रफ़ चीज़ के दो तरीके हैं कि या तो वो अपनी खुश्क हालत में है तो पानी की डिमांड बढ़ा देगी। ठीक है, पानी, हम पानी पियेंगे ज़्यादा, पानी पियेंगे तो वहाँ पर एक जेली टाइप की चीज़ बन जाती है और वो जेल हमें प्रोटेक्ट करती है कि हमारे जिस्म में वो चीज़ दाखिल ना होने पाए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जब बल्क बढ़ जाता है तो वो बल्क रफ्तार बढ़ा देता है उन अज्ज़ा को बाहर निकालने के लिए जो फजले की सूरत में खारिज होनी होती है, जो अगर कुछ देर के लिए रुके रह जाएं तो शायद कोलोन का या आंतों की जो है वो कैंसर का सबब भी बन सकते हैं। तो कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी को भी दूर करने में मदद देता है।
फाइबर जो है, फाइबर सही। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी से पहले एक छोटा सा सवाल एक जहन में आ गया कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिनसे तहफ़ होता है फाइबर अगर इस्तेमाल किया जाए। फाइबर के इस्तेमाल के बाद हमारे जिस्म में आंतों की जो सूरत हाल होती है वो सूरत हाल कुछ इस तरह से होती है कि जैसे ही फाइबर हमारे जिस्म में दाखिल होता है या जो कंटेंट्स हैं ग़िज़ा के जो कंटेंट्स हैं उनमें फ़ाइबर अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब बल्क बढ़ जाएगा। ठीक है, बल्क बढ़ने से हमारे दिमाग में कुछ मैसेजेज जाते हैं कि इसे आगे बढ़ाया जाए। इसका मतलब है कि वो स्पीडीली जो चीज़ें जैसे कब्ज़ हो जाना, कब्ज़ हो जाने के बाद की कुछ कैफियात हैं जैसे हेमोराइड या पाइल्स का हो जाना, जी जी, उससे भी तहफ़ हासिल हो जाता है। जब कब्ज़ नहीं होगी तो वो भी नहीं होगा। दूसरा ये है कि जितना जल्दी कुछ बीमारी पैदा करने वाले और कुछ टॉक्सिन जितनी जल्दी पासान होंगे उनको एब्जॉर्ब होने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, जब एब्जॉर्ब होने का मौका नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि उससे हमें अल्टीमेटली फ़ायदा होता है। सही। दूसरा है कि कुछ फाइबर जो कि पॉलीमर्स होते हैं, सेलुलोज होते हैं, वो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को दाखिल नहीं होने देते। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जब दाखिल नहीं होगा तो यकीनन हमारा जिस्म दिल की बीमारियों से भी महफूज रह सकता है। ठीक है, और अगर हम कोशिश करें तो बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमें फ़ाइबर तलाश करना होगा। जब मैं बात करता हूँ लेगिनिन की तो लेगिनिन से मुराद मेरी ये होती है कि लकड़ी नुमा भूसा। अच्छा, और जब मैं साइलिस की बात करता हूँ तो असबगोल की भूसी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, और जब सेलुलोज की बात करता हूँ तो हर किस्म का छिलका। सही, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल तो सही। ये जो चीज़ें हमारे जिस्म में जब दाखिल होंगी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मतलब कौन सी गजाई अजनास है जिसमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अगर उसको यूज़ किया जाए तो मतलब बच्चों के लिए ख़ास तौर पर पेट के अमराज में बहुत फ़ायदेमंद हो? देखें, होल वीट से लेकर तमाम फलियाँ, तमाम बीज वाली यानी दालें होती हैं, ठीक है, बीज हैं, जैसे मटर है, मटर में भी है, इसी तरह वो तमाम फल जो अपने गिर्द एक क्रस्ट रखते हैं, अपने गिर्द एक छिलका रखते हैं, वो और उसी उसके समेत ही खाए जाते हैं। अच्छा, मसलन खीरा है, खीरे को कुछ लोग छील के खाते हैं, लेकिन अगर उसके छिलके समेत खा लिए जाए तो हमें फाइबर की वो किस्म मिल जाती है जो कि दिल के अमराज से तहफ़ फराम कर सकती है। अच्छा। इसी तरह कुछ दालों के बीजों में पाया जाने वाला पेक्टिन और कुछ दालों के होल में पाया जाने वाला सेलुलोज भी हमारे आंतों के अमराज में फ़ायदेमंद हो सकता है। सही। डॉक्टर साहब, फाइबर और इसके फवायद को देखते हुए होम्योपैथी से मुतालिक हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे, होम्योपैथी से ताल्लुक़ क्या है? देखें, होम्योपैथी के हवाले से मैं कहूँगा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में ये बात हानेमन ने किसी वक्त में कही थी कि फूड या जो खाने पीने के अंदर जो है ये मालिज की जिम्मेदारी है कि वो गौर करता रहे, और गौर करते हुए यकीनन हानेमन के ज़माने में फ़ाइबर का तस्वुर इतना वाज़े नहीं था, लेकिन आज जितना वाज़े है उसमें एक होम्योपैथ को भी चाहिए कि वो इस हवाले से अपनी मेहनत को बरकरार रखे, एक्सप्लोर करें और मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नाज़रीन कराम, बड़ी मुदल्लल और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू डॉक्टर साहब से अभी हमारी हुई फ़ाइबर के हवाले से और इन तमाम उसकी खसूसियात और उसमें क्या फ़वाद हैं उसके। और चूँकि वक्त की कमी होती है तो हम जो है अपने सवालात के सेशन को आगे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि हम आगे भी आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपसे जो है फ़ायदा उठाते रहें। और यहीं पे हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हमें खुशी है कि श्वाबे जर्मनी की जानिब से जो ये प्रोग्राम पेश किया जाता है इसको आप लोग सराहते हैं, पसंद करते हैं। श्वाबे की ये काविश बुनियादी तौर पर एक सोशल सर्विस है जिसका मकसद सेहत व इलाज के मुतालिक मुस्तनद मालूमात और आगाही फराहम करना है। बाकायदा और मुकम्मल इलाज के लिए आप बराए मेहरबानी अपने मुकामी होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू कीजिए। इस सोशल सर्विस के लिए श्वाबे जर्मनी और पाकिस्तान में इनके एक्सक्लूसिव पार्टनर डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो प्राइवेट लिमिटेड और दारुल अद्वियात की खिदमात काबिले कद्र हैं। इंशाल्लाह इस सिलसिले के आइंदा प्रोग्राम में हम सेहत व इलाज के हवाले से कुछ नए मौजूदात लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अली इमाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।